हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जयपुर से उज्जैन के लिए। ट्रेन से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ट्रेन से 600 किलोमीटर तय करके 2:30 बजे उज्जैन पहुंचे हैं हम लोग। इतने इंतज़ार के बाद में बाबा की नगरी में आए और बहुत ही प्यारा व्यू है ये, मतलब मन कर रहा कि देखते ही रहे। यहाँ पे टिकट ली जा रही है, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो बुक, और ये 250 रुपये में टिकट भी मिलती है यहाँ पे। ये बहुत ही शिवरात्रि पे बहुत ही प्यारा सजा रखा है। दर्शन के लिए एंट्री कर लिया है और ये लाइन में लगे हुए हमने ये दृश्य रिकॉर्ड किए हैं। ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं बहुत ही प्यारी प्यारी, देख रहे होंगे आप लोग। बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई है क्योंकि शिवरात्रि पे बहुत भीड़ होती है। कुछ औरतें अपना भजन कीर्तन कर रही हैं लाइन में लगे हुए भी, और ये महाकाल के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुकून मिला, देख रहे होंगे आप लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन करने से पहले ये तिलक जरूर करवाएं, इससे ध्यान भी एक जगह रहता है और ठंडक भी मिलती है दिमाग को। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे तिलक करते हैं, उनको भी इस बहाने कुछ मिल जाता है। बहुत ही अच्छा लगा। और ये यहाँ पे एक माता है, पास में ही मंदिर है, यहाँ पे भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। यहाँ पे कॉइन भी डालते भजन देखने के बाद में मैं यहाँ पे ऑटो किया, और यहाँ पे 250-300 में आपको ऑटो मिल जाएगा जो पूरा उज्जैन घुमा देगा आपको। जो भी उज्जैन में जितने भी टेंपल हैं आप आराम से दर्शन कर सकते हो। ये मंगलनाथ मंदिर है जो विश्व में एक ही मंदिर है। यहाँ पे महर्षि सादीपनी आश्रम है, यहाँ पे भी अच्छा टेंपल बना हुआ है। ये श्री काल भैरव जी का मंदिर है।
महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे दर्शन करना। यहाँ पे प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।